अपडेट में लेकर के आया हूँ झारखंड बीएड के बारे में। झारखंड बीएड सेकंड काउंसलिंग के बारे में आप सभी के मन में बहुत सारे क्वेश्चन उठ रहे होंगे कि कब से स्टार्ट होगा सेकंड काउंसलिंग, कितना सीट बचा हुआ है, कितना पेमेंट करना पड़ेगा, कितना कॉलेज हम लोग को चूज़ करने का मौका मिलेगा। तो इन सभी चीज़ के बारे में आपको मैं फुल डिटेल देने वाला हूँ, तो बने रहिए अंत तक। जी हाँ, मैं हूँ विनोद और आप लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आप लोग को क्या करना है कि सबसे पहले आप अपने फ़ोन में ही चेक कर सकते हो। सबसे पहले जाकर के गूगल में आपको क्या करना है, द टी एम एग्ज़ाम लिखना है, द टी एम एग्ज़ाम यहाँ पर आप लोग क्लिक करोगे। इसके बाद क्या करना है आप लोग को कि इसमें क्लिक करने के बाद आप लोग लाइव चेक कर सकते हो, जितना भी मन में क्वेश्चन है, जितना भी डाउट है आप लोग क्लियर कर सकते हो। तो यहाँ पर जो फर्स्ट में आपका लिखा हुआ है, देखिए द टी एम एग्ज़ाम, इसमें क्लिक करना है आप लोगों को। यहाँ पर जाने के बाद क्या होगा आपका, देखिए यहाँ पर आपको डायरेक्ट लिखा हुआ है कि लाइव सीट, यहाँ पर ध्यान देना है, लाइव सीट अपडेट फॉर बीएड फर्स्ट राउंड काउंसलिंग। हम सभी को पता था कि 19 तारीख तक जो है, 19 दिसंबर तक जो पेमेंट का, फर्स्ट पेमेंट का जो डेट देने वाला था दिया गया था, और जो लिस्ट है वो सीट अलॉटमेंट लिस्ट जो है आपका 20 तारीख को आ गया था। तो सभी को वेट है सेकेंड लिस्ट का। तो सेकेंड लिस्ट में हम लोग देखेंगे कब वो आएगा, कब से हम लोग पेमेंट कर सकते हैं। लिस्ट ऑफ ऑल बीएड कॉलेज इन झारखंड, यहाँ पर आप लोगों को जो है इसमें दिख जाएगा कि कितने झारखंड में बीएड कॉलेज हैं, उनके लिस्ट आप लोगों को दिख जाएंगे, कितने सीट हैं इसमें आप लोगों को सारे कुछ दिखने वाले हैं। चलिए, अब आप लोगों के मन में क्वेश्चन जो है, डाउट जो है वो क्लियर करना बहुत ही ज़रूरी है। तो देखिए यहाँ पर आने के बाद फर्स्ट राउंड में आप लोग क्या करना है कि यहाँ पर देखिए इसके नीचे आपका लिखा हुआ है कि देखिए बीएड फर्स्ट राउंड एग्ज़ाम डेट एक्सटेंडेड, ये एग्ज़ाम डेट जो था आपका, एडमिशन डेट जो है वो एक्सटेंड किया गया था। अब इसके बाद आते हैं हम लोग इसके आगे, बीएड सेकंड राउंड काउंसलिंग कब होगा, ये क्वेश्चन सभी के मन में दौड़ रहा है कि बीएड सेकंड राउंड का काउंसलिंग कब से होगा। चलिए इसमें हम लोग क्लिक करके देखते हैं कि कब से होगा। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है आपका क्या, झारखंड बीएड सेकंड एग्ज़ाम जो है, सेकंड काउंसलिंग जो है, यहाँ एक्सपेक्ट किया गया कि 28 तारीख से, कल से, यानी कि कल से जो आपका है पेमेंट, जो स्टार्टिंग सेकंड काउंसलिंग का एक्सपेक्टेड डेट दिया गया 28 तारीख से, 28 दिसंबर 2022 झारखंड बीएड के लिए बहुत ही जरूरी है। जो सेकंड काउंसलिंग जो हुआ 28 दिसंबर से, आप लोग को यहाँ पर लिखा हुआ है 28 दिसंबर 2022 तक का। और देखिए यहाँ पर फर्स्ट डेट का भी दिया हुआ है, फर्स्ट काउंसलिंग 19 दिसंबर 1922 तक जो दिया हुआ था। और एडमिशन इस अवेलेबल टिल 26 दिसंबर, जिनका आया था फर्स्ट काउंसलिंग में नाम, वो 26 तारीख तक एडमिशन ले सकेंगे। चलिए आज कल उनका डेट ख़त्म हो गया है। तो अब देखिए इसके हम लोग नीचे आते हैं ना, तो यहाँ पर देखिए आपका डिटेल, फुल डिटेल दिया हुआ है, बीएड सेकेंड राउंड काउंसलिंग बीइंग फ्रॉम, यहाँ काउंसलिंग बीइंग फ्रॉम 28/12/2022 से। अब देखिए लास्ट डेट कब रहने वाला है आपका, 2/1/2023 से। तो हार्डली 3 या 4 तक आपको सेकेंड राउंड का काउंसलिंग का जो अपडेट मिल जाएगा। अब देखिए इसके आगे, यहाँ पर कौन कौन से, बहुत सारे स्टूडेंट्स का यही डाउट है कि कौन कौन से स्टूडेंट जो हैं इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ सेकेंड राउंड के लिए कौन कौन एलिजिबल है, तो रैंक 1 से 20,000 तक, यहाँ तक आप लोग 20,000 तक जो आप लोग हैं रैंक 1 से। ऐसा भी क्वेश्चन सबके मन में आ रहा होगा कि जो जिन्होंने फर्स्ट काउंसलिंग करा लिया है वो अप्लाई कर सकते हैं या नहीं, तो इनके लिए एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ है कि वो सभी अपना काउंसलिंग करवा सकते हैं और अपने मर्जी के अनुसार कॉलेज पा सकते हैं। चलिए अब इसके नीचे आते हैं, तो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट था, ये आप लोगों को ध्यान से पढ़ लेना है। उसके बाद हम लोग आते हैं अब नीचे, देखिए यहाँ पर आप लोगों को जब सेकंड काउंसलिंग करोगे तो उसमें क्या क्या आप लोगों को लगेगा। देखिए आपका ऑफिशियल वेबसाइट ये क्या है, RU बीएड कॉलेज, रांची यूनिवर्सिटी बीएड कॉलेज, beedcounseling.in, इसमें आप लोग क्लिक करोगे, सारा जो इन्फॉर्मेशन है आपको वहाँ से पेमेंट करने का ऑप्शन मिलेगा, वो भी कल से। अगर जैसे ही लिंक आएगा मैं आप लोग को शेयर कर दूँगा, आप लोग को एक्टिव रहना है, इसलिए मैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि जो अपडेट है आप लोग को तुरंत मिल जाए। तो देखिए इसमें क्या क्या आप लोगों को लगेगा, पहला तो रोल नंबर, रोल नंबर मस्ट है, बिना रोल नंबर का आप एंट्री नहीं कर सकते हो। फिर डेट ऑफ बर्थ, आपको अपना डेट ऑफ बर्थ याद तो होगा ही, और नहीं भी याद होगा तो आपके मार्कशीट में या फिर एडमिट कार्ड में आपको मिल जाएगा। फिर पेमेंट, इसमें पेमेंट जो है आपका 600 रुपया, जो फर्स्ट काउंसलिंग में भी लगा था 600 रुपया, इस बार भी 600 रुपया है। देखिए यहाँ पर कन्फ्यूजन वाली बात क्या है कि कितने बीएड कॉलेज को आप सेलेक्ट कर सकते हो जब सेकंड राउंड की काउंसलिंग कराओगे। तो बहुत कोई के मन में क्वेश्चन है कि 3 कॉलेज सेलेक्ट करने का ऑप्शन मिलेगा, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। आपको यहाँ पर 10 कॉलेज जो है, चूज़ ऑफ मैक्सिमम 10 कॉलेज, आप लोग 10 कॉलेज यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तब आगे देखिए, ये सब जो बीएड लिंक है या फिर आपका सीट अलॉटमेंट जो है सेकंड राउंड का, ये सब कमिंग सून आपको आ रहा है यहाँ पर, कमिंग सून, और यहाँ अवेलेबल 28 तारीख को अवेलेबल होगा। और ये सब जो है आपको ऑफिशियल वेबसाइट, यहाँ से आप लोग जा सकते हो। तो आपके मन में जितना भी डाउट होगा वो क्लियर होना बहुत ज़रूरी है, इसके लिए आप लोग अपने फ़ोन से ही साइट में जा करके जो भी और न्यूज़ चाहिए आपको सारा कुछ मिल जाएगा। आप लोगों को जो भी क्वेश्चन चाहिए, या फिर RU बीएड सेकंड काउंसलिंग आप लोग ऐसा लिख करके आप लोग रांची यूनिवर्सिटी में आप लोग चेक कर सकते हो साइट में। तो ये था आपको बीएड से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन, और जो बहुत ही इंपॉर्टेंट था। तो आप लोग कल तक का वेट कर लीजिए, अगर जैसे ही लिंक आता है मैं आप लोगों को अपडेट कर दूंगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।